उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया के ग्राम परसा जंगल थाना रुद्रपुर के रहने वाले रानी यादव पुत्री राम समुज यादव उम्र 19 वर्ष उस समय बुरी तरह घायल हो गए जब वह सुबह अपने पिता राम समुज यादव के साथ बाइक से परीक्षा देने जा रही थी। तभी देवरिया के रुद्रपुर मोड़ मंदिर के सामने एक अनियंत्रित टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से रानी यादव बुरी तरह घायल हो गई। पैर में हुआ फ्रैक्चर स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत ही मेडिकल कॉलेज देवरिया पहुंचाया गया। रानी यादव कहाँ घर है? परसा जंगल। परसा जंगल ऑटो से बाइक से हम लोग जा रहे थे, ऑटो से ऑटो वाला मार दिया। आप परीक्षा देने जा रहे थे? हाँ। पहला पेपर था यार? हाँ। ऑटो वाले मार दिया? हाँ। बाइक कौन चलाना था? पापा। पापा चला रहे थे। उनको भी चोट लगी? हाँ, थोड़ा बहुत लगी है। किस जगह पे हुआ था? लक्ष्मी मंदिर से 10 कदम आगे। राम समूह यादव घर कहाँ पड़ता था? परसा जंगल। जिला कौन सा है? देवरिया। रुद्रपुर। हाँ, जिला देवरिया। ये घटना कैसे हुई थी? हम रिश्तेदारी से आ रहे थे बाइक से, एक साइड में बस खड़ा था और मैं क्रॉसिंग करा था, तो साहब उधर से आ रहा रुद्रपुर से टेम्पू आ रहा था और ऐसा काट करके ला के हमारे में मारा है कि हमारे लड़के का पैर जो है फ्रैक्चर हो गया। साइड से आकर मारा। घटना कब की है? और सुबह 8:30 बजे लगा। नहीं, मैं घर ले जाना था, घर से फिर परीक्षा ले जाना था, तैयारी कर रहे थे, मतलब 2 बजे से एनआई का परीक्षा, इसके वजह से मैं सोचा कि अब ले जाऊंगा, वहां से तैयार होगी फिर लेकर के आऊंगा। इलाज तो अभी सर एक्सरे के लिए भेजें, एक्सरे करके आया गया है।